Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Tahish Raza from Telhar Shahjahanpur, UP. Ye matrices ki 60 number ki problem hai. So that the following system of equations are inconsistent. Yani hame jo system of equation de rakha hai, yani kai equations de rakhe hain, iska main prove karna hai ki ye system jo hai wo inconsistent hua. Yani is system of का कोई भी सॉल्यूशन होगा नहीं होगा यानी x by z की ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. ये हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम इसको यानी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है. तो मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखेंगे. तो ये ध्यान रहे कि x होना चाहिए, ये y के टर्म होनी चाहिए, फिर z के टर्म. तो x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने यहां पर लिख दिए 3 1 3 2. फिर y के कोएफिशिएंट अगले कॉलम में लिखेंगे 1 1 और ये 4. फिर 1 यहां पर कोएफिशिएंट होगा -2 और +7, 1 माइनस का 2 और 7. फिर इसके बाद यहां पर जो वेरिएबल आ रहे हैं अननोन है x y z, उनको लिखना होगा. राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट्स हैं उनको लिखना होगा -3, माइनस का 2 और 7. जब इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, अब इसकी एक लॉन फॉर्म बनाएंगे. ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है और इसको ए से डिनोट करते हैं. और इसके साथ में राइट हैंड साइड में इसे वी मैट्रिक्स बोलते हैं. और इस दोनों के को मिला के एक मैट्रिक्स जिसमें बीच में पार्टीशन होगा, जिसमें उस मैट्रिक्स को कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बताने के लिए कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है के लिए हम इस का यूज करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये होती है. तो इसमें हम लोग जो ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके सारे टर्म्स को लिख देंगे जो हम यहां पर कॉलम वाइज लिख रहे हैं. उसके बाद यहां पार्टीशन कर दिया जाएगा और पार्टीशन करने के बाद राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है यानी बी, उसके एलिमेंट्स को यहां पर लिख देंगे. अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम रैंक टेस्ट मेथड का जो कि यूज करते हुए सॉल्व करना है हमको यहां पर, तो इसको एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. ए बी मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में, एक्लोन फॉर्म में ये होता है कि यहां पर जो लीडिंग डायग्राम का एलिमेंट्स होते हैं वो 1 बनाना पड़ते हैं. तो यहां पर 1 होना चाहिए, इसके नीचे 0 0 होना चाहिए. तो यहां पर 0 बनाने के लिए हम इस 3 1 में 3 से इनटू करेंगे तो 3 को माइनस करेंगे, यानी r1 में ऑपरेशन करेंगे, सॉरी r2 में ऑपरेशन करेंगे. तो r2 में ये सेकंड रो है, फर्स्ट रो ये है. तो r2 में से r1 को माइनस करेंगे लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद. ऐसी ऑपरेशन हम R3 में करेंगे तो R3 में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स R1 को. तो इस तरीके से ये वैल्यू जो होगी हमें यहां पर नीचे 0 मिल जाएंगे क्योंकि एक्लोन फॉर्म में ऐसा होता है. तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी लेकिन मैट्रिक्स ए बी के इक्विवेलेंट एक मैट्रिक्स आएगी. इसका हम आगे चलकर रैंक निकालने में और रैंक निकालने में और उसका सॉल्यूशन अगर होगा तो फाइंड करने में कर सकते हैं और बताने के लिए कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं. कंसिस्टेंट नहीं है तो ये भी बताया जा सकता है. तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो लिखे हैं यहां पर हम इसको करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट रो में कुछ भी ऑपरेशन हमने नहीं किया तो इसके सारे एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट को ऐसे लिख देंगे 1 1 1 एंड माइनस का 3. सेकंड रो में ऑपरेशन ये हो रहा है, सेकंड रो में सिर्फ फर्स्ट रो में जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब घटाना है. 3 से इनटू करेंगे माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 3 से इनटू करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, 3 से इनटू करेंगे माइनस के 5 हो जाएगा, 3 से इनटू करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 9. जब -2 में से माइनस करेंगे माइनस के 9 को तो -2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इस तरीके से ये 7 बचेंगे प्लस के. अब इस सेकंड वाला जो यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो R3 में किया जा रहा है, तो R3 में से माइनस करना है R 2 को लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ताकि ये सॉरी R1 को ही माइनस करना है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद. क्योंकि 2 का इनटू होगा तो ये 2 इस वाले 2 में से माइनस होकर 0 हो जाएगा, इधर 2 से इनटू होगा और 4 में से माइनस होगा तो 2 बचेगा, यहां पर 2 से इनटू के होके इसमें 7 में से माइनस होगा तो 5 बचेगा, यहां पर 2 से इनटू होगा और यहां से माइनस करेंगे तो ये 2 से इनटू होने पर माइनस का 6 हुआ और ये 7 में से ये -6 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और ये वैल्यू जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमको यहां पर 1 और उसके नीचे 0 0 मिल गया. अब इस एलिमेंट में 1 बनाना होता है उसके नीचे 0, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आराम से ये बन रहा है हमारा
ज़ीरो बन रहा है। अगर इस को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ये दोनों ज़ीरो बन जाएंगे, तो ये ऑपरेशन पहले कर लें। वैसे ध्यान रहे कि हमें बनाना क्या है, वन और इसके नीचे ज़ीरो, यहाँ वन इसके नीचे ज़ीरो, इस तरीके से एक लॉन्ग फार्म बनाना है जैसे एक लॉन्ग फार्म में वीडियो हम देख चुके हैं। तो अभी यहाँ पर चूँकि ज़ीरो बन रहा है बड़े आसानी से, तो इसलिए हम थर्ड रो में ऑपरेशन पहले कर लेते हैं, बाद में वो कर लेंगे। तो इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट अगर आर थ्री में आर टू को, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी जो ज़ीरो हम चाहिए होते हैं आप नीचे वो मिल जाएंगे। तो फर्स्ट रो में हमने कुछ भी नहीं किया, तो फर्स्ट रो को एज इट लिख देंगे, और सेकंड रो में को भी कुछ नहीं किया तो इसको भी एज इट लिख देंगे। थर्ड रो में फर्स्ट सेकंड रो को जोड़ेंगे तो ज़ीरो में ज़ीरो ऐड होगा, ज़ीरो आ जाएगा। टू में माइनस टू जोड़ेंगे ज़ीरो हो जाएगा, फाइव माइनस टू ये ज़ीरो हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ट्वेंटी ये आ रहा है। तो एक्लॉन फार्म ये होता है, वन होता है इसके नीचे ज़ीरो होता है, यहाँ पर वन इसके नीचे ज़ीरो, तो उस रो में ही ऑपरेशन कर सकते हैं एक्लॉन फार्म के लिए। तो यहाँ पर ज़ीरो है, और अब हम ये करें कि यहाँ पर पार्टीशन चल रहा है, तो उसे पार्टीशन को बाकी रखते हुए अब यहाँ पर हम ज़ीरो वन ना भी बनाएं, फिर भी हम देख रहे हैं कि जो जो कोफिशेंट मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक दो होगी, क्योंकि इसमें दो रो ऐसे ही जो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं, क्योंकि लास्ट वाला रो ज़ीरो है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो टू के इक्वल है। और रैंक ऑफ पूरा अगर हम देखें तो इस एलिमेंट को हम ज़ीरो नहीं बना सकते, तो इसमें तीन रो ऐसे होंगे पूरे में देखें तो तीन रो ऐसे हैं जो ए बी पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी तीन रो ऐसे होंगे, क्योंकि इस एलिमेंट को कभी भी ज़ीरो किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हुए ज़ीरो नहीं बना सकते। वन बना सकते हैं ट्वेंटी से डिवाइड करके, लेकिन ज़ीरो नहीं बना सकते। तो इसलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक हो गई यहाँ पर वो थ्री हो गई, तीन रो ऐसे हैं थ्री रो ऐसे हैं। तो देख रहे हैं कि रैंक अगर ए जो है वो ए बी की रैंक के बराबर नहीं होती, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल नहीं होती, तो हम कहते हैं कि जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं, कोई एक्स बाई जेड की ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। लिख देंगे आप एक लाइन, द सिस्टम हैव नॉट कंसिस्टेंट या हैव नो सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।